हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है? तो गाइज़ हम आ गए एक और न्यू वीडियो के साथ। यार थोड़ा लेट हुआ क्योंकि यार सर्वर काफ़ी इशू कर रहा था, गेम प्ले बन नहीं रहा था। वीपीएन लगा के खेल रहा हूँ, ये भी मैंने एशिया में खेला है वीपीएन यूज़ करके ना। पिंग दिखा रहा कम है लेकिन सही पिंग आ नहीं रही होती, सर्वर इशू तो आपको पता होगा। तो ये गेम प्ले ना यार पूरा देखना, मतलब जो इसमें जो क्लच हुआ है ना, दिल खुश हो गया था। मैं अनबिलीवेबल, मतलब मेरे को ख़ुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्लच कर सकता हूँ। तो अगर आप न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ और बेल आइकन भी दबाते जाओ। अभी थोड़ा सा हाथ सेट नहीं है यार, सम टाइम मिस हो जाता है ना। एम वगैरह वैसे सेट है, बाकी जो ये मूवमेंट है ना, मूवमेंट सबसे ज़्यादा मिसिंग करता है। तो हम आए थे नोवो, नोवो में भाई हमारे साथ पूरा एक स्क्वाड उतरता है। तो हम इसके एक बंदे की तो टांगे लगाते छत से। अब ये पता नहीं चार बंदे होते, पाँच बंदे होते, क्या हिसाब होता है वो अभी आप देख लेना यहाँ से। फिर हम लूट वगैरह करते हैं, हमारा बंदा को गन मिलती है तो जो हमारे भाई साहब होते हैं वो चले जाते हैं उस बंदे के पीछे उनको मारने, क्योंकि ये तो पता है कि भाई किल का हर कोई भूखा होता है। तो जैसे ही भाई वो उसके पीछे जाते हैं, वहाँ से वो DBS से ब्रम ब्रम करके फड़का देता है। तो अभी हमारे भाई साहब नॉक होंगे, ये भाई साहब नॉक होंगे और चीखेंगे अबे भाई एक ही शॉट मारा ये वो। अब देखना यहाँ पर मैंने एक ये नॉक मारा था, अब वहाँ पर कितने, एक दो तीन बंदे अभी मैं और मारूंगा, इसके अलावा भी एक बंदा और बचता है। पता नहीं ये चार बंदे थे, एक स्क्वाड सोलो अलग था, क्या हिसाब था वो पता नहीं चला। बहरहाल अभी आप यहाँ पे गेम देखो, हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो यार इन तीन बंदों को मारने के बाद इनका जो लास्ट बंदा होता है वो वहाँ पे घर वाली साइड होता है, और मेरे पास हीलिंग वगैरह होती नहीं है कि मैं उससे जाके फाइट लूँ। इतने प्रो हम हैं नहीं कि इतनी सी हेल्थ में विदाउट हेलमेट वेस्ट के मैं जाके उसको मार दूँगा, वो भी ओपन से। तो हम अपनी भलाई इसी में समझते कि भाई कि हमें वो सावधान होके पीछे हो जाना चाहिए। तो यहाँ से गन वगैरह मिलती है जो ऑटो लेके फिर हीलिंग वगैरह उठाते हैं। हीलिंग वगैरह मिलने के बाद फिर हम जाते हैं बंदे की तरफ। तो बंदा वो होता है नदी की तरफ। फिर भाई साहब को पता नहीं होता मैं आ रहा हूँ, वो भाई साहब मैं बैठा होता है स्क्वाड हाउस में, मैंने स्क्वाड हाउस से इसके ऊपर फायर की। फायर करने के बाद मैं बिल्कुल बैक साइड पे कूदा, बैक साइड से पूरा घूमता हुआ आगे, भाई साहब स्क्वाड हाउस की तरफ ही देख रहे कि अभी निकलेगा अभी निकलेगा। लेकिन इन्हें क्या पता हमने मारा है रोटेशन। तो यहाँ से मारने के बाद भी हमने अपनी गाड़ी उठाई, गाड़ी उठा के हम जा ही रहे थे कि हमने बंदे ढूंढने, तो कुछ हुआ इस तरह। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, एशिया में जितने बड़े कैंपर हैं ना, मैं क्या बताऊँ यार, बहुत मैंने मतलब बहुत दो दिन लगाए मैं खेलता रहा, गेम खेलता रहा, फिर जाके कोई ऐसा गेम प्ले बना है। तो हम आ गए थे बंदों के पास, दो दो लौंडे। तो फिर हम इनसे लेते हैं फाइट। ये भाई साहब बिल्कुल ऐसे मज़े में आ रहे हैं जैसे पता नहीं भाई क्या सीन, यहाँ पे कोई छिन्नी विन्नी बढ़ रही है। तो एक था ऊपर, ये दो इतने शुक्र है बचत हो गई, मैंने गाड़ी रोक दी थी, गलती करी कि मैंने जिस तरह गाड़ी रोकी है तो बचत हो गई हमारी। बरल में जैसे ही नेट निकालता हूं भाई साहब ये भी ना हमारे सुपरमैन बन के कूद जाते हैं। तो ये दो ही बचते हैं, इन दोनों को मारने के बाद इनकी लूट वगैरह करता हूँ। लूट करने के बाद हम यहाँ से हो जाते हैं रवाना, मिलिट्री वगैरह जाते हैं, रेलवे वगैरह इधर उधर काफ़ी घूमता हूँ। तो ये बंदे अब कहाँ मिलेंगे, हाँ इसके नहीं कोचिंग की वगैरह, वो तो अगले गेम प्ले में एंड लास्ट में देखना। एंड में बहुत VIP क्लच होने वाला है, वो आप देखोगे मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे जा रहा हूँ तो मुझे दिखती है गाड़ी, तो हम अपनी गाड़ी का रुख कर लेते चेंज। और ये इन भाई साहब, ये पूरा स्क्वाड यहाँ पे होता है और इनको पता नहीं होता कि भाई अभी इनके साथ होने वाला क्या है। मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठता हूँ दरख के पीछे के भाई। जब कभी भी मैं आपको एक टिप बता दूँ, ऐसा मौका होना कि भाई आपके सामने बंदे हैं, इस तरह बैठो कि आप नॉक करके सिक्योर कर सको या पूरा एक अच्छी तरीके से नॉक कर सको और कवर हो आपके पास। ये नहीं जल्दबाजी नहीं उतरे धमाधम शुरू, नहीं इस तरह फिर फ़ायदा नहीं है। वो चार बंदे आप एक स्प्रे जितने भी आप प्रो प्लेयर हो लेकिन नहीं काम आता।
तो मैंने आराम से यहाँ पे हीलिंग वीलिंग की और मैं बैठा बंदे को स्पॉट कर रहा था। तो फिर आप देखो अभी फाइट, एक और इसमें चीज़ है मैं आपको वो भी बताऊंगा, अभी देखना। एक चीज़ नोट करी, जब मैं वहाँ से स्प्रे कर रहा था तो ये तीनों आ रहे थे ब्रिज के ऊपर से, जिसमें से मैंने दो नॉक करे और जो तीसरा था वो कवर में चला गया इस ट्रक के पास। लेकिन वो भाई सब नीचे से घूम के आ गया, तो इन्होंने हमार को परेशान कर दिया था, लेकिन बहरहाल गुड हो गया। इसी तरह स्क्वाड वाइप करते रहो, मज़े ही मज़े, शुगल मिलेगा शुगल मिला। तो भाई साहब अभी अभी यहाँ पे हम बस बचत हो गई हमारी, इतना कोई टट्टी स्प्रे गया था मैं क्या बताऊँ, बहरहाल खैर होता रहता है। तो शुक्र है दो बंदे थे, इन्होंने गाड़ी रोकी भी नहीं, अगर रोकते तो मैं भी पॉसिबल है कि मुझे मार सकते थे, क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो हो गई थी। तो भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो और मुझे अचानक ही अपना पहाड़ी पर एक लौंडा दिखाई देता है। तो अब मुझे आइडिया नहीं होता कि ये अकेला है या फिर तीन है पूरे, क्योंकि अभी सिर्फ तीन बंदे अलाइव थे, तो मैं रश करना मुनासिब नहीं समझता। तो फिर मैं गया अलग पहाड़ी पे, क्योंकि चार बंदों पे यार रश करना ना सोलो में बेवकूफ़ी है, बहुत बढ़िया। पहले नॉक निकालो दो चार, फिर उसके दो तीन, फिर उसके बाद अगर रश करना है तो फिर करो, अदरवाइज़ आप लॉन्ग रेंज फाइट लो, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है, इनकेस अगर उनके पास स्नाइपर नहीं है तो। तो ये भाई सब मज़े से यहाँ पे लेटे बैठे, फिर हम के लगाते हैं इनकी खोपड़ी पे। हाँ लेकिन एक और चीज़ आपको बताता जो, लेकिन जब चार बंदे हसलर नूब पे रश करते हैं ना, तब उनके साथ क्या होता है ये तो अभी आपको दिखाना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी आप देखना कुछ ही देर में आपको वो दिखाएंगे इस वीडियो के बाद, मतलब इस चिकन डिनर के बाद आपको मैं दिखाऊंगा एक और छोटा सा गेम प्ले। वो मतलब उसमें काफ़ी अच्छी फाइट हुई थी तो मज़ा आया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो मैंने इस वजह से इसके साथ ही कंबाइन करके अपलोड कर दिया। तो अभी सिर्फ बचे थे दो लौंडे और मैं यहाँ पर
पेन किलर वगैरह ले रहा होता तो मुझे अचानक ना वहाँ से दिखता, वो देखो आपको शायद दिखा हो अभी थोड़ी देर पहले, ये लौंडा जा रहा था यहाँ से। तो भाई साहब मैं लेट जाता हूँ और भाई पता नहीं उसको कैसे स्पॉट हो जाता है कि मैं यहाँ लेटा हूँ। साला देता है, शुक्र है वो तो बॉडी लगती है। फिर मैं फटाफट हील करता हूँ और भाई साहब पता क्या कर रहे होते हैं, भाई दोनों लौंडे रश कर रहे हैं गाड़ी पे, ड्रॉप आया, एक बंदा ड्रॉप लूट रहा है, दूसरा गाड़ी लेके आ रहा है, और वो गाड़ी लेके आ रहा है जिसके ऊपर मैंने पहले ही काफ़ी स्प्रे दिया हुआ है, फटने वाली है। तो अब इनके साथ होने वाला है बुरा, तो अभी आप वो देखो क्या बुरा होगा। लेकिन अभी जाना नहीं कहीं, इसके बाद जो गेम प्ले है उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। ये होती है गलत फहमी कि आप एक सोलो बंदे को समझ के रश कर रहे हो उसके ऊपर, वो भी ओपन से इस तरह, तो इससे आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो ये है एक दूसरा गेम प्ले जिसमें हमारा मिलिट्री का रूट बना था, एशिया सर्वर है यार, सारे नेपाली या बंगाली या फिर इंडियन आ रहे थे। लॉबी बहुत ही कोई अलग किस्म की आ रही थी, नेपाली आ रही थी, बंगाली आ रही थी या फिर इंडो लॉबी आ रही थी ना, बहुत ही कोई अलग। लेकिन काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी थे और कुछ नूबड़े भी थे, क्योंकि रैंक पे रहा इसमें अभी मेरे ख्याल से प्लेटिनियम पे अभी मैं ना, तो लेकिन थे अच्छे प्लेयर्स, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आ रहे थे। तो अभी भाई हम जा रहे होते मिलिट्री की तरफ, रुक करके ये जो हमारे भाई साहब होते ना, ये नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर, ये सबको दावत दे रहे होते कि भाई आ जाओ मिलिट्री, आ जाओ मिलिट्री। तो मिलिट्री सिर्फ ये होता है कि सिर्फ एक ट्रायो स्क्वाड आता है तीन बंदों का और उनसे हमारी होती है गन फाइट। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि भाई मैंने सोचा नहीं था कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन एक होता है ना यार साउंड की भी गेम होती है, तो शुक्र है कि हमारे पास कोई अच्छी सी छोटी सी हैंड फ्री थी जिसकी वजह से मुझे साउंड काफ़ी अच्छा सुनाई दे रहा था, तो उसकी वजह से मेरी ज़्यादा बचत हुई है क्योंकि मैं फ्री फायर देना शुरू कर देता था। तो अब यहाँ तो हम उतरे भाई, हमारे साथ लौंडे भी उतरे और भाई ये देखो मैं अटक गया, और यहाँ मैंने सोचा भाई गन मिली मर गया मैं, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चक्के। तो यहाँ से भाई हम ऊपर आते, लूट वगैरह कर रहे होते काफ़ी ना, मतलब फटी हुई होती है भाई, उनको गन मिलती है ना वो फौरन मेरी बिल्डिंग में आए हुए होते, तीनों मेरी बिल्डिंग में आए हुए होते। अब देखना यहीं पे प्रिंट आ रहे हैं। अब मैं जैसे ही अंदर घुसा भाई, शुक्र यहाँ पे एक ही मिले, बस आप यहाँ पे अब देखो तो भाई साहब यहाँ पे ना आपका भाई मतलब फुल मौके का इंतज़ार, मैं बिल्कुल एक रिलैक्स होके खड़ा हुआ था, पैनिक नहीं हुआ, मैं बिल्कुल आराम से साउंड क्लियर सुन रहा था। जैसे ही बंदा आया मैंने गेट्स, जैसे ही उसने खोला, जैसे ही इंटर हुआ मैंने प्री फायर स्टार्ट करी। दूसरा बंदा आया उसके ऊपर, उसको तो मेरे को दिख गया था, तो उसको भी मैंने फ़ौरन मारा। तीसरे बंदे का मुझे साउंड आया, मैंने निकलते ही मारना शुरू कर दिया। तो ये सारी होती है साउंड की गेम मेरे हिसाब से देखा जाए तो भाई। अगर मैं विदाउट हैंड फ्री खेलूँ ना तो मैं बहुत बड़ा नूबड़ा हूँ, क्योंकि पबजी एक गेम ही ऐसी है जिसमें आपको साउंड जज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम पोचिंकी आए, पोचिंकी में कोई मिला नहीं है हमें, पोचिंकी से हम जा रहे थे रोजोक वाली साइड, रोजोक स्कूल वगैरह, यही मेरा एक रूट होता है अगर मैं नोवो वगैरह से आऊँ ना। अगर जॉर्जो से आओ तो पहले रोजोक जाता हूँ, रोजोक से इसी रोड से वापस होता हूँ पोचिंकी वगैरह जाता हूँ। तो यहाँ पे हमें रोजोक की पहाड़ी पे दिखती है एक गाड़ी, और ये होती है चार बंदों की गाड़ी। तो वो कहते हैं ना कि चार बंदों पे रश करना होती है बेवकूफ़ी, तो लेकिन बेवकूफ़ी वो भी होती है जब चार बंदे अकेले पे रश करें, वो भी नूबड़ा समझ के। हाँ लेकिन अभी एक और चीज़, यहाँ पे ना मेरे स्कारल का स्प्रे देखना, क्या ओपी स्प्रे मारा रेड डॉट से यार, लौंडा गिरा दिया चलती गाड़ी में, वो भी सीधी गाड़ी में नहीं, तिरछी गाड़ी जा रही थी। तो बहरहाल ये शोर आ रहा है यार, दिन का टाइम है, थोड़ा एडजस्ट करना। तो उन्हें पता चल गया था कि भाई मैं यहाँ पे आ गया हूँ,
तो उनकी फाइट हो रही थी, मैं जैसे ही जाने लगता हूँ यहाँ पे आ जाती है एक और गाड़ी, वो अभी स्प्रे चेक करना भाई का। तो गाइज अब तो लाइक बनता है यार, कि अब लाइक तो वाकई ही बनता है, मतलब इतना ओपी स्प्रे मारा आपके भाई ने। तो फिर इसको फिनिश करते हैं। अब वो जो चार लौंडे होते हैं ना रोजोक वाले, जो पहाड़ी पे होते भाई, वो ड्रॉप वगैरह लूट के मुझ पे कर देते रश। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, तो मैं ना गाड़ी लेके, हाँ अभी शायद मैं, हाँ गाड़ी लेके मैं जाने लगता हूँ। हाँ पहले भी ना मैं गाड़ी लेने आ रहा था, क्योंकि उनकी हो रही थी फाइट किसी से, तो अभी मैं गाड़ी लेके जाने लगता हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी में होता है फ्यूल ही नहीं, तो फ्यूल ख़त्म होता है और मुझे वापस आना पड़ता है। और भाई जैसे ही मैं वापस आता हूँ ना, बस बस अब देखने वाला सीन है, मैं चुप हो रहा हूँ। देखो आप, तो यार अभी आपने देखा होगा कि क्या मस्त स्क्वाड मारा। तो अगर थोड़ा सा भी अगर पसंद आया ना, कि यार थोड़े सा भी लगाओ बंदे में प्रोनेस है, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना अगर नहीं हो तो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो अभी यहाँ पे हमारा अभी एक और स्क्वाड आने वाला है, यहाँ पे हमारा होने वाला है डी एंड। यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। अभी आप देखना, रश होगा अभी हम पे दोबारा। देखो दो बंदे इसमें गए और दो बंदे डासिया में गए। अभी देखना पांचवा बंदा साला कहाँ से आता है, अभी वो आप अभी देखो। मैं पुश करने जा ही रहा होता हूँ कि मुझे ना अचानक पीछे से साउंड सुनाई देता है, तो मुझे वापस जाना पड़ता है। तो यार बैड लगता ना, स्मोक था ना कवर था सही से, तो हेल्थ भी बड़ी लो गई थी, तो क्या कर सकते थे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। अभी भी चार अलाइव है इनके, एक मैंने फिनिश कर दिया। बहरहाल खैर, अल्लाह हाफिज़।